हेल्थ न्यूज़ के साथ मैं हूँ रजा लियाकत। सबसे पहले हेडलाइंस। वफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क में 46 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। कोरोना वायरस से 131 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 19,987 हो गई। कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,90,390 हो गई। कोरोना वायरस की मौजूदगी में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बढ़ गया है, मगर दरामदी या मुकामी तौर पर सैनिटाइजर के मयार को यकीनी बनाने के लिए कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है। कोविड-19 के नतीजे में अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों में दिमागी और आसाबी पेचीदगियों का सामना होता है। हाई ब्लड प्रेशर ऐसा खतरनाक मर्ज है जो दिल के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। जिस्मानी वजन में कमी लाना आसान नहीं होता, मगर अक्सर लोग ऐसे मशवरों पर अमल करने लगते हैं जो दुरुस्त नहीं होते। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें अब तफसील के साथ। वफाकी वजीर बराए मंसूबा बंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क में 46 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। असद उमर ने इन ख्यालात का इजहार बुध को इस्लामाबाद में मास वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर किया। उन्होंने कहा कि सेंटर के 75 काउंटर पर 7,000 अफराद को यौमिया वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम की जाएगी। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वबा के फैलाव में इजाफा तो रुका हुआ है, पर वबा अभी नहीं रुकी। आवाम से गुजारिश है कि वैक्सीनेशन करवाएं, जबकि मुल्क की सियासी क़यादत को वैक्सीन लगवाने की मुहिम की क़यादत करने की अपील की। उन्होंने बताया कि 4,500 मरीज अब भी ऑक्सीजन पर मौजूद हैं। बंदिशों में नरमी की जा सकती है, लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं की जा सकती। कोरोना वायरस से 131 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 19,987 हो गई। कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,90,390 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,207 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,31,102, सिंध में 3,03,332, खैबर पख्तूनख्वा में 1,28,033, बलूचिस्तान में 24,223, गिलगित बल्तिस्तान में 5,542, इस्लामाबाद में 70,790, जबकि आज़ाद कश्मीर में 18,445 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,26,03,400 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 51,130 नए केसेस टेस्ट किए गए। अब तक 8,04,122 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,517 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 131 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 19,980 हो गई। पंजाब में 9,700, सिंध में 4,800, खैबर पख्तूनख्वा में 3,855, इस्लामाबाद में 740, बलूचिस्तान में 270, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आज़ाद कश्मीर में 521 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस की मौजूदगी में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बढ़ गया है, मगर दरामदी या मुकामी तौर पर सैनिटाइजर के मयार को यकीनी बनाने के लिए कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई में वफाकी काबीना ने फैसला किया था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रेप से सैनिटाइजर तैयारी और फरोख्त का इख्तियार लेकर वजारत साइंस टेक्नोलॉजी को मुंतकिल किया जाएगा। कानून के मुताबिक ड्रेप वो सरकारी इदारा है जो इस बात को यकीनी बनाता है अद्वियात और बाजारों में दस्तियाब तिबी मसनूआत आलमी इदारे सेहत WHO की हिदायत के मुताबिक तैयार हों। वफाकी काबीना की जानिब से सैनिटाइजर के लाइसेंस और मयार का इख्तियार पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQCA को मुंतकिल करने के फैसले से निज़ाम में एक खला पैदा हुआ। PSQCA ने एक साल कबल सैनिटाइजर के लिए मयार को तश्कील दिया था। और हैंड सैनिटाइजर तैयार करने वाली कंपनियों और तकसीम कारों को अथॉरिटी की जानिब से एक प्रेस रिलीज के जरिए पाकिस्तान स्टैंडर्ड पर अमल दरामद की हिदायत की गई थी। अथॉरिटी के तर्जमान रहमतुल्ला मेमन ने बताया कि PSQCA की जानिब से मुल्क भर में मुतादद मसनूआत की मयार को बरकरार रखा जाता है। उन्होंने मजीद बताया कि वफाकी काबीना के पास ड्रेप एक्ट को नज़रअंदाज करने का इख्तियार नहीं, जिसकी मंजूरी पार्लियामेंट ने दी। इस कानून के मुताबिक हर तरह की अद्वियात ड्रेप के दायरे इख्तियार में आती हैं।
कोविड-19 के नतीजे में अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों में दिमागी और आसाबी पेचीदगियों का सामना होता है। कोविड-19 से बहुत ज्यादा बीमार होने वाले मरीजों का शऊर मुतासिर होना, ज़हनी उलझन जैसी इलामात आम होती हैं। ताहम कोविड-19 के दिमाग पर बराए रास्त असरात के बारे में अभी भी ज्यादा इल्म नहीं हो सका। तहकीक में इन मरीजों के ग्रे मीटर के हजम का तज्जिया किया गया, जो दिमाग के बाहरी तह में मौजूद होता है। कोविड में ऐसे मरीज जिनको ऑक्सीजन की थेरेपी की जरूरत पड़ी, उनके ग्रे मीटर के हजम में कमी को संगीन माजूरी से भी मुंसलिक किया जाता है। फिलहाल ग्रे मीटर के हजम और अनासिर जैसे ऑक्सीजन सप्लीमेंट और बुखार के दरमियान ताल्लुक को दरियाफ्त किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इन नतायज के इतलाक सिर्फ इन मरीजों पर ही हो सकता है जो कोविड के बायस अस्पताल में जेरे इलाज रहे और उन्हें दिमागी पेचीदगियों का सामना भी हुआ। अब वो मरीजों के ज्यादा बड़े ग्रुप पर तहकीक का इरादा रखते हैं, जिसमें कोविड-19 के मरीजों के मुतादद ग्रुप्स के साथ मुख्तलिफ इकसाम के दिमागी स्कैनर का डेटा भी शामिल किया जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर ऐसा खतरनाक मर्ज है जो दिल के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर ऐसा खतरनाक मर्ज है जो दिल के लिए तबाहकुन साबित होता है। माना जाता है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा अफराद फिशारे खून के शिकार हैं, और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो अमराज़ कल्ब और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बशमूल सफेद डबल रोटी, पास्ता और चीनी वगैरह में फाइबर मौजूद नहीं होता। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे भूख खाने की ख्वाहिश बढ़ती है। लोग ज्यादा कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को मोटापे से मुंसलिक किया जाता है। मगर अच्छी खबर ये है कि ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर यहाँ तक के अद्वियात के बगैर भी कम कर सकते हैं। कुछ साल पहले एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 50% पाकिस्तानी आबादी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, और 42% लोगों को मालूम ही नहीं कि वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं। जिस्मानी वजन में कमी लाना आसान नहीं होता, मगर अक्सर लोग ऐसे मशवरों पर अमल करने लगते हैं जो दुरुस्त नहीं होते। जिस्मानी वजन में कमी लाना आसान नहीं होता, ताहम गुजरे बरसों में साइंसदानों ने मुतादद ऐसे तरीकों को दरियाफ्त किया है जो जिस्मानी वजन में कमी लाने में मौसर हैं, जैसे कि खाने से कबल पानी पीना, नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल, सब्ज चाय पीना, एंटरटेनमेंट फास्टिंग, मीठे का इस्तेमाल महदूद करना, फाइबर वाली गजाओं का इस्तेमाल ज्यादा करना, अच्छी नींद लेना, प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करना, मीठे मशरूबात से गुरेज करना। डाइटिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये तवील मुद्दत के लिए कारामद नहीं रहती। यहाँ तक कि अगर लोग इसको अपनाते भी हैं तो उनका वजन वक्त गुजरने के साथ पहले से ज्यादा बढ़ सकता है, और रिपोर्ट से साबित हुआ है कि डाइटिंग को देखकर मुस्तकबिल में मोटापे की पेशेंगोई भी की जा सकती है। लिहाजा डाइट पर जाने के बजाय सेहत बख्श, खुशबाश और फिट बनने को अपना मकसद बनाएं, और अपने जिस्म को ताज़ा दम करने पर तवज्जो मरकूज करें, ना कि ऐसी फाकाकशी पर मजबूर पूर कर दें। हेल्थ न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और डाउनलोड कीजिए हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप।